सो गाइस सभी लोग का स्वागत है आज की एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के अंदर। एंड आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं पॉपी प्ले टाइम। अब अगर आप लोगों ने पार्ट वन देखा है तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग ना मेन विलेन उस डॉल को समझ रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में इस गेम का मेन विलेन जो कि ये सब कुछ कर रहा है वो हगी बगी है, जिसने हमें लास्ट टाइम मार दिया था। और आज हम लोग उसका चैप्टर जो पूरी तरह क्लोज करने वाले हैं, क्योंकि उसने एक गलत बंदे से पंगा ले लिया। उसने हम पे अटैक करके अच्छा नहीं किया, वो तो अच्छी बात है हम लोग बच गए। फिलहाल हम लोग कोई अलग सी जगह पे आ चुके हैं। ओह वेट, अब मुझे समझ आया कि ये लोग हमारे ऊपर टॉय क्यों फेंक रहे थे। असल में हम लोग उस रास्ते से आए जहाँ से टॉयज को इस मशीन के अंदर लाया जाता है। शायद से ये मशीन के अंदर टॉय वगैरह बनते होंगे। और यहाँ पे लिखा है नीड आ पावर और ऊपर लिखा है मेगा फ्रेंड, यानी कि अपना शक बिल्कुल सही था। यहाँ पे टॉय के पार्ट्स को लाके इस मशीन के अंदर डाला जाता है और यहाँ से टॉय बनते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि ये मशीन काम नहीं कर रही है क्योंकि इसके अंदर पावर नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं से इसको पावर लाके देनी पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पे एक ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है, तो फटाफट ऊपर चल के देखते हैं, क्या पता हमें ऊपर से कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे हम इस मशीन को पावर दे सकें। लेट्स गो, फटाफट चलते हैं और देखते हैं भाई क्या सीन होगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग एक और कैसेट ला के लगा सकते हैं। मुझे ना कैसेट ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पे एक रास्ता, क्या मैं इसको खींच सकता हूँ? नाइस, जो अपना हैंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है। इससे हम लोग किसी चीज़ को खींच सकते हैं और पावर को एक जगह से दूसरी जगह पे भी लेके जा सकते हैं। फिलहाल मुझे वही कुछ पजल टाइप यहाँ पे वापस से मिल चुका है। यहाँ से हम लोग पावर को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। अगर हम लोग ने इसको सॉल्व कर दिया तो जो पावर है वो नीचे चली जाएगी और वो मशीन है जो काम करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन ये इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है क्योंकि इसका भी एक तरीका होता है, वो हमें ढूंढना पड़ता है। जब तक हम लोग इसको सही तरीके से नहीं करेंगे तब तक ये सॉल्व नहीं होने वाला। फिलहाल मैं पहली बार में तो यहाँ पे फेल हो गया, लेकिन मुझे ना इसको ठीक से करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं इसको ठीक से नहीं करूँगा तो पावर है जो नीचे नहीं जाएगी और तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो हमें इसको ठीक से करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे मुझे एक और दिखा है, तो इसको भी हम लोग पीछे की तरफ खींच लेते हैं। अब हमें ना यहाँ पे दो हैंड मिल चुके हैं, तो दो हैंड का यहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा हो चुका है, हम लोग दोनों हैंड्स को यूज़ कर सकते हैं एक साथ। फिलहाल यहाँ पे मैंने दोनों पिलर्स को कुछ इलेक्ट्रिसिटी तो दे दी है, बाकी मुझे कोई आइडिया नहीं ये कैसे काम करने वाली है। ऐसे मुझे यहाँ से घुमा के लेके जानी है क्या? नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसकी मदद से मैं वहाँ तक से ऐसे इलेक्ट्रिसिटी लेके जानी है, वहाँ तक बिजली जो लेके जा सकूँ। ओह वेट गाइस, मैं तो खाली पीली का यहाँ पे टेंशन ले रहा था। असल में ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बस इसको ना थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ से मुझे आगे जाना है और पहले मुझे ना इस वाले पिलर को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देनी है, फिर यहाँ पे शायद से मुझे दूसरे वालों को देनी है। ओके, यहाँ पे दूसरे वालों को नहीं, शायद से मैं गलत कर रहा हूँ, पहले मुझे ना इसको देनी चाहिए। थोड़ा सा ना ये कन्फ्यूजिंग है, बट कोई नहीं, हम लोग इसको ना सॉल्व कर लेंगे। अभी मुझे इसको खींचना है और अभी मुझे दोबारा से इस साइड जाना है और अभी मुझे इसको पावर देनी है। पहले मैं क्या कर रहा था ना, पहले यहीं पे यो अपनी वायर अटक जा रही थी, इसलिए हमें सीधा जाके ना पहले इसको उस साइड खींचना था। फिलहाल यहाँ तक मैं आ चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैंने थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ कर दी है मुझे लग रहा है। पहले यहाँ से हटाते हैं और इस साइड चलते हैं, पहले इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, फिर देखते हैं क्या होने वाला है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है बट हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। नाइस, हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है और अभी इलेक्ट्रिसिटी है जो नीचे जा चुकी है, अभी उस मशीन के अंदर पावर चली जाएगी। ये देखो करंट है जो उस मशीन के अंदर जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे ना मैं एक और भी चीज़ टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या अगर मैं इसको यहाँ पे हैंड को पकड़ूँ और यहाँ से अगर मैं स्पाइडरमैन की तरह नीचे कूद जाऊँ तो मुझे क्या कुछ होगा। नहीं, जो अपना हैंड है वो कुछ ज़्यादा ही लंबा है, इसीलिए हम अगर सीधा नीचे गिरे तो हमें चक्कर आ गया। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे पावर आ चुकी है। ओके, तो मुझे इस मशीन को ऑन करना है और इन सारे लीवर को भी मुझे खींचना है ताकि जितने भी टॉय के पार्ट्स हैं वो सारे के सारे मशीन से बाहर आ जाएँ और उस मेन मशीन के अंदर चले जाएँ और वहाँ पे एक अलग टॉय बनने वाला है। शायद उसका यूज़ कहाँ होने वाला है मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं यूज़ होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ तक गाइस मुझे लग रहा है कि जो अपनी ये पहली मशीन है इसके अंदर ना हो सकता है टॉयज के अंदर कलर करते हों। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद से ऐसा होगा, पक्का तो नहीं पता, बट ये मशीन ने जो काम करना स्टार्ट कर दिया। पहले यहाँ पे टॉय के पार्ट्स आए, फिर अगली वाली मशीन के अंदर जाने वाले हैं। ओके, यहाँ पे यू टॉय के पार्ट्स तो आ चुके हैं। ये देखो टॉय के जितने भी पार्ट्स थे उसके ऊपर कलर हो चुका है, मैं यानी कि बिल्कुल सही था। अभी जो सेकंड मशीन है, जो मेन मशीन है ये, इसके अंदर यहाँ तक मुझे लग रहा है कि सारे के सारे पार्ट्स को जोड़ के एक टॉय बनने वाला है और थर्ड वाली मशीन का मुझे कोई आइडिया नहीं क्या काम होने वाला है। फिलहाल ये मशीन एक्टिव तो हो चुकी है, लेकिन भाई कितनी डरावनी मशीन है यार, उसकी कलर देख लो आइस का कैसे हो गया था और भाई क्या ही तो आवाज़ आ रही थी अंदर से। ऐसा लग रहा है भाई टॉय को तोड़ा जा रहा है, जोड़ा नहीं जा रहा है।
फिलहाल तीसरी वाली मशीन के अंदर जो टॉय आ चुका है, यहाँ पे मुझे कोई आइडिया नहीं कि आखिरकार क्या किया जाएगा इसके साथ। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस थर्ड वाली मशीन के अंदर टॉयज़ की चेकिंग होती होगी कि वो सही से बने हैं कि नहीं, बाकी तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता है तो गाइज आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस थर्ड वाली मशीन का यूज़ क्या होने वाला है। फिलहाल जो टॉय है वो यहाँ पर आने वाला है और इसको मैं यहाँ से पिकअप कर सकता हूँ। नाइस, मेरी ये इन्वर्टरी के अंदर आ चुका है और अभी हम लोग इसको लेके जाने वाले हैं। लेकिन इसका यूज़ कहाँ करना है, यहाँ पे मुझे एक जगह दिख चुकी है, क्या मुझे इसको यहाँ पे प्लेस करना है? ओ भाई साहब, एकदम से डरा दिया, कितनी डरावनी लुक आई यहाँ पे। फिलहाल मैंने यहाँ पे टॉय लगा दिया है और यहाँ पे जो स्कैनिंग हो चुकी है और गेट भी ओपन हो चुका है। ये वाले गेट ओपन होंगे क्या? नहीं, ये वाले गेट ओपन नहीं हो रहे हैं। सैसे मेन गेट भी ओपन होने वाला है, तो यहीं पर चलते हैं। वेट भाई, ये क्या चीज़ है? एक सेकंड, ये तो वही हगी बगी है जिसने हम लोगों पे लास्ट टाइम अटैक किया था। भाई लास्ट टाइम तो हमें कुछ आइडिया भी नहीं लगा था, लेकिन इस बार तो ये सीधा ही अपने सामने आ चुका है अटैक करने के लिए। और एक सेकंड भाई, इसने हम लोगों पे वापस से अटैक कर दिया। और क्या इसने हमें मार दिया क्या? सैसे गाइस नहीं, इसने हमें मारा नहीं है। जब तक हम लोग इस गेम को कम्प्लीट नहीं कर देते तब तक ये ऐसे ही बाहर आने वाला है। हम लोग को इस गेम को कम्प्लीट ही करना पड़ेगा। वेट एक सेकंड, ये वापस से आ चुका है। भाई साहब ये कितना ज़्यादा डरावना है। और अपने पास जो ये हैंड है इनका कोई भी यूज़ इसके ऊपर नहीं हो रहा है, यानी कि यार ये कुछ भी इसके ऊपर असर नहीं कर रहे हैं। पहले मुझे लग रहा था कि ये हो सकता है कि भाई इसके ऊपर अटैक करें, लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें ना बच के यहाँ से निकलना पड़ेगा, इस साइड तो रास्ता ही बंद है। मुझे कोई और ही जगह ढूंढनी पड़ेगी। फिलहाल मैं इसको कितना गंदा घुमा रहा हूँ। अबे क्या नूबड़ा बंदा है यार, मैं इससे खाली पीली का डर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहा। ओके, मुझे भागना तो पड़ेगा। फिर से गाइज इसने एक बार हमें बहुत गंदा तरीके से मार दिया है, लेकिन थर्ड टाइम मुझे पता चल चुका है कि मुझे कहाँ जाना है। इस साइड ना मैंने एक डेंजर वाली जगह देखी थी, यही एक गेट है जो ओपन है। देख लेता हूँ एक बार पीछे आ भी रहा है कि नहीं। ओके, यहाँ से हमें भागना है। भाई मुझे कोई आइडिया नहीं हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, मैं सिर्फ सीधा जाए जा रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे रास्ता मिल रहा है, मैं उसी साइड जा रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पे सारे रास्ते बंद है। और एक सेकंड भाई साहब, इसने अपना साइज छोटा पता नहीं कैसे कर लिया। पहले तो ये इतना ज़्यादा लंबा था, लेकिन अभी ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और इसने हमें फिर से पकड़ के एक बार बहुत बुरी तरह मार दिया है। भाई साहब जितना ज़्यादा मैं इसको डेंजरस समझ रहा था, उससे ये कई गुना ज़्यादा डेंजरस है। मुझे इससे बच के किसी भी तरह इस जगह से एस्केप करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे किसी भी तरह पकड़ के मार देता है। पता नहीं भाई ये इतने फास्ट मेरा पीछा कैसे कर रहा है, उतनी तेज़ तो मैं दौड़ भी नहीं पा रहा। और मुझे लग रहा था कि ये इतना ज़्यादा बड़ा है इसके अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन भाई इसके अंदर भी ये छोटा साइज़ करके आ गया अपना। पता नहीं भाई ये किस तरह से आ जाता है। फिलहाल यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे रास्ते मिल रहे हैं। और एक सेकंड में नीचे गिर गया यहाँ पे। मुझे कोई आइडिया नहीं गाइस मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस फ़र्क इतना है कि मैं भागे जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे रास्ता मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे तो रास्ते ही बंद है, मुझे यहाँ से साइड से एक रास्ता दिखा था, वहाँ से मैं आ चुका हूँ। यहाँ से रास्ता बंद तो नहीं है, कहीं ऐसा ना वो आगे से आ जाए। वो एक सेकंड, यहाँ पे भी रास्ता बंद है। मुझे कोई आइडिया नहीं गाइस हम लोग को कहाँ पे जाना है, बस मैं जाए जा रहा हूँ। यहाँ से मुझे एक छोटा सा रास्ता मिला, सामने से रास्ता बंद था और ये साइड से आ चुका है। भाई यहाँ पे मेरी स्पीड है जो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है, मुझे किसी भी तरह यहाँ से भागना पड़ेगा। यहाँ से भी रास्ता बंद है। और एक सेकंड भाई, ये दरवाज़ा किसने बंद किया? भाई इनकी टांग, भाई पहले ही मुझे डरा रहे हैं, मुझे बोल दिया इन लोगों ने। भाई अच्छी बात है, पहले ही भाई वो मेरा हगी पगी पीछा नहीं छोड़ रहा, ऊपर से ये लोग गेट बंद कर रहे हैं। भाई बंदा जाए तो जाएगा। फिलहाल मैं काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ और सहते हो सकता है वो हगी बगी मेरे बहुत ज़्यादा पीछे रह चुका हूँ। और एक सेकंड, मुझे सामने एक बॉक्स मिला है, क्या मुझे इसको नीचे गिराना है? ओके हगी बगी मेरे पास क्या? और एक सेकंड भाई सब क्या ही तो गलत सीन हो गया यहाँ पे। मैंने जैसे वो बॉक्स नीचे गिराया, ये जो रास्ता था वो टूट गया और वो हगी बगी बहुत बुरी तरह नीचे जाके गिरा है। भाई मुझे लग नहीं रहा वो जिंदा बचा भी होगा यहाँ से गिर के, क्योंकि अगर आप लोग नीचे देखोगे तो भाई कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। पता नहीं यहाँ पे क्या बना हुआ है। फिलहाल यहाँ पे मैं नीचे एक बार चढ़ के देखूँ क्या नीचे क्या है। नहीं भाई कोई फ़ायदा नहीं है, अगर हम लोग नीचे गिर गए और अपना गेम यहाँ पे पीछे से कंटिन्यू हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं पहले ही बड़ी मुश्किल से उस हगी बगी से बच के आया हूँ। फिलहाल ये वही मुझे यहाँ पे फ्लावर दिख चुका है जो कि मैं ढूंढना था। हम लोग फटाफट आगे चल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या ही सीन है। फिलहाल गाइस यहाँ तक मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने इस गेम को कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि इस गेम के मेन विलेन हम लोग ने हगी बगी को तो मार दिया है। फिलहाल मैं उस फ्लावर के पास तो आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखा है गो बैक। और यहाँ पे इन टॉयज़ की बहुत बुरी हालत करी गई है, ऐसा लग रहा है भाई इनको किसी ने ऐसा मार के लटका दिया हो यहाँ पे। और यहाँ पे हर जगह लिखा है स्टॉप गो बैक, यहाँ से चले जाओ, पता नहीं ऐसा क्यों लिखा गया। और एक सेकेंड
भाई ये फैक्ट्री से एक ऐसा क्यों लग रहा है, एक हॉरर रूम कैसे बन गया? ऐसा लग रहा है किसे मैं फैक्ट्री के अंदर नहीं, अभी के टाइम पे किसे बहुत बड़े घर के अंदर घूम रहा हूँ। कुछ तो यहाँ पे गाइस मुझे लग रहा है गड़बड़ है। फिलहाल तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं सिर्फ आगे जाता जा रहा हूँ। और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी अलग ही रूम के अंदर आ चुका हूँ या फिर मैं किसी घर के अंदर आ चुका हूँ। पता नहीं भाई यहाँ पे क्या सीन है। हम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों ने गेम पूरी तो कंप्लीट कर दी है, बट सहसे नहीं, हम लोगों ने गेम कंप्लीट नहीं करी है, अभी भी कुछ ऐसा है। और एक सेकंड, ये देखो, ये तो वही डॉल है जो स्टार्टिंग में दिखाई थी हम लोगों को। मैं खाली पीली में इसको विलन समझ रहा था, लग रहा था कि यही सब कुछ कर रही है, लेकिन भाई इसको तो किसी ने यहाँ पर कैद करके रखा है। क्या मैं इसको यहाँ पे छुड़ा सकता हूँ? मैं इसको ना छुड़ाने का ट्राई करता हूँ। ओके, मैं इसको खोल सकता हूँ क्या? और एक सेकंड, वेट, ये क्या हुआ? और गाइज पीछे से तो भाई क्या ही डरावना साउंड आ रहा है। फिलहाल गाइज हम लोग समझ रहे थे कि मेन विलन वो हगी बगी है, लेकिन सच में मेन विलन ये डॉल ही थी। हगी बगी तो सिर्फ इसका एक बॉडी गार्ड ही था। फिलहाल गाइज हम लोगों ने चैप्टर 1 तो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। सहसे गाइज इस गेम का चैप्टर 2 भी है, तो उसको भी हम लोग खेलेंगे अगर हुआ। सो फिलहाल ना गाइज आज की इस वाली गेम प्ले वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छा लगे इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोग को नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। गुड बाय।